एकदम से नहीं लगे ना, तू एक नजर है तो मैं एक नजरिया हूं, तू बिलाईगढ़ का सागर है तो मैं शिवरी नारायण का तरिया हूं। बहुत लंबा लंबा बात करे के जरूरत नहीं है, दो लाइन में ऐसे भी काम हो सकते हैं। आदमी लग कहे के तरीका होना चाहिए। राम ललाहा भांचा है हमर बड़े है भाग, कौशल्या माता है छत्तीसगढ़ के सौभाग्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सियावर रामचंद्र की जय, नारायण सबरी ला मिलिस खाइस जूठा बेर। बढ़िया। नारायण सबरी ला मिलिस खाइस जूठा बेर, ऊकर भक्ति में लगे रहू तो नहीं हो वह अंधेर। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया। सियावर रामचंद्र की जय। सुख मा दुख मा सब करो राम नाम के जाप। बहुत बढ़िया। सुख मा दुख मा सब करो राम नाम के जाप, ऊकर सन्मुख आ जाहु तो कट जाही सब पाप। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार बोलना यार, ओकर देरी में बोले रे। हाँ वो तरह प्रणाम कर, फिर ओकर बाद नीचे उतरू तो मोरो कर लेबे। हाँ काहे ये सब सिद्ध प्रसिद्ध कवि हैं, इकर बीच में मैं कोई काबिल नहीं हूं सिवाय तारीफ के। ये मन सब चोटी कवि हैं, मैं बिना चोटी के आऊं। कबर की जिन जगह चोटी होना रही सो जगह प्लाट खाली होगी। बढ़िया। इकर बीच में कोई काबिल नहीं है सिवाय तारीफ के, वहू मैं अपन खुदे कर लेता हूं। कबर की मैं आत्मनिर्भर आदमी हूं, एकर भरोसा में रहूं तो मतलब खाना पीना गायब हो जाए। मैं तो अतिक आत्मनिर्भर हूं कि एक घाव जब मैं बिहाव करूं ऐसे हंसा थे जिसे दो तीन घाव करके बैठे। भैया एक एक घाव में काम तमाम हो जाते, पूछ लो ये सब मन पति मन ला। तो एक घाव जब मैं बिहाव करूं तो अपने 22 अंक करूं। काबर की मैं आत्मनिर्भर आदमी हूं, तो इसे टाइप के व्यवस्था चलत रही थे। मन को मिलाने की बात कर, संतोष भैया सुनिएगा, मन को मिलाने की बात कर, फूल को खिलाने की बात कर, फूल को खिलाने की बात कर, तीर से घायल है दिल का लखन, अरे बूटी ला उसको जिलाने की बात कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बूटी ला उसको जिलाने की बात कर। और मैं इसे बहुत सारा बात कर सकता हूँ, आप मतलब बताता हूँ, मुला विद्वान आदमी हूँ मैं, दिखत हूँ ना भाई, ये सब मन से मतलब कम पढ़े लिखे हो लेकिन फिर भी मैं विद्वान हूँ। तो का हुई इसकी छत्तीसगढ़ में कई जन घूमे पर आईन, तो मन पूछीन कि भाई आलोक शर्मा जी आप बताइए कि छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ तक के है। तो मैं छत्तीसगढ़ भाई दंडकारण्य से लेकर के अपने कवर्धा तक के है, रायगढ़ से लेकर के वहाँ डोंगरगढ़ तक के है, ऐसे करके समझात रहे हो। तो बोलिस नहीं शर्मा जी आप हमको इतना लंबा चौड़ा मत बताइए, आप हमें एक लाइन में समझाइए कि छत्तीसगढ़ कहाँ से शुरू और कहाँ पे ख़त्म। तो मैं जो समझाएं आप मतलब समझ में आई तो आप मन भी कोई पूछी तो आप मन बता देना मोर नाम लेके। मैं बोला बताए कि छत्तीसगढ़ राजश्री गुटका से शुरू और सूरज छाप गुड़ाखू में खत्म। बहुत बढ़िया। एकर से ज्यादा नहीं हो सके। बड़े बड़े अभी हिमांशु भाई अच्छा अच्छा कविता पढ़ीस, बहुत शिक्षा परत बात कहीस। मोला भी बंसी भाई बोलीस कि आप भी कुछ ऐसे संदेश परक बात बोलना करके। मैं बोले मैं उतेक लंबा नहीं बोल सका, मैं तो दो लाइन में बात बोलता हूँ और आप मन जाना था समझ गए हो। मोर पहला लाइन अच्छा होते
और दूसरा लाइन ओकरों से अच्छा हो जाते। पहला लाइन, कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा है। पहला लाइन अच्छा हो गया है। कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा है। अरे दिल से चुचरो तो सूखा मुनगा में गुदा है। बहुत अच्छे। एकर से ज्यादा ज्ञान मैं नहीं दे सकता। मैं मुनगा से बढ़िया कोई सब्जी भी नहीं। बढ़िया। तो ऐसे टाइप के हैं। यही सब चलना चाहिए भाई साहब। आप सब जग के हंसी बने रहना चाहिए, तनाव में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तनाव में अभी मोर एक दोस्त घुमतरी से मैं पूछूं का हो गया यार करके, तो बोलीस कि का बताऊं भैया, 3 हफ्ता पहली मोर बड़े पिताजी गुजर गए, अपन बड़े मकान मोर नाम में करके निकल गए। तो मैं बोले यार तो मका परेशानी हो गए। नहीं फिर फूफा जी 2 हफ्ता गुजर गए, तो वो अपन 2 एकड़ खेत मोर नाम कर दिस। तो मैं बोले तो फिर का टेंशन है। बोलीस नहीं ये हफ्ता गुजरा थे कोई गुजरते नहीं। बहुत बहुत अच्छी हंसी अच्छी होती है। हंसी अच्छी होती है जब आप एक साथ मिल बैठकर हंसते हैं। हंसी अच्छी होती है जब आप एक साथ मिल बैठकर हंसते हैं। हंसी बुरी होती है जब हम एक दूसरे पर हंसते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बड़ी हंसी बुरी होती है जब हम एक दूसरे पर हंसते हैं। अरे हंसो तो सच्चों जैसी हंसी, हंसो तो बच्चों जैसी हंसी। बहुत बढ़िया। जैसे खिलखिलाकर नन्हे मुन्ने बच्चे हंसते हैं। टेंशन में आए के जरूरत नहीं है। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर करके सब जगह चलत है अभियान, तो मैं भी ओकर समर्थक हूँ। लेकिन भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब ठीक है, लेकिन बेटा मन के का करे यार। मैं बेटी मन लात का बोलता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी मन थोड़ा एक्टिव वाला धीरे चलाओ, नहीं तो बेटा उड़ाओ अभियान हो जाए। बहुत बढ़िया भाई। तो आप मन ला समझदारी से काम करना है। नारा पीछे एकदम नारा नहीं हो जाना है, समझे ना। समझदारी से काम करना है। ये हमार मिश्रा मैडम आए हुए है, पढ़ाते गांव तरफ से पढ़ा करके आते, कभी कभी रात में लौटत लौटत देर हो जाते, सांझ हो जाते। तो मैं कहूँ मैडम तोला डर नहीं लगा, बड़े बड़े गाड़ी चलत रही थे। तो बोले नहीं, एकदम सोनाक्षी सिन्हा टाइप के बोलीस उस समय। बोलीस नहीं नहीं डर नहीं लगता है, बड़े बड़े गाड़ी से डर नहीं लगता है, हमको तो एक आंखी वाले ट्रैक्टर से डर लगता है। जेकर पीछू में लिखाए रही थे आ झपा जा। तो ऐसे टाइप के बात होत रही थे। मैं आप मतलब बता दूं, ये हिमांशु हिंद आए हुए है, बड़े बड़े बात करत रही से। मैं बोले यार तुहर क्षेत्र में का विशेषता है। तो बोलीस कि अपन अपन क्षेत्र के सब लमा लमा के बड़े बड़े बता देते। तो वो ये बोलत रही से हम लोग फाफड़ा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, दाल बाटी खाते हैं, आप लोग क्या खाते हो। तो मैं बोले हम छत्तीसगढ़ के आदमी हैं, हम उलान बाटी खाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे काहे मिलना चाहिए, बात लाओ मिलाना चाहिए। टेंशन में आए जरूरत नहीं है। लेकिन का हो इसकी ना, अभी ये भाई ईश्वरी से 2-3 जन आ करके अभी होटल में बोल दिन कि भाई आपने सबको बड़े अच्छे अच्छे कवि लोग को बुलाया, लेकिन ये आलोक शर्मा को क्यों बुला लिया। तो ईश्वरी यादव बोलीस कि ईश्वरी बोलीस कि भाई ये इसमें क्या टेंशन वाली बात है, क्या परेशानी है। तो बोलीस नहीं आलोक शर्मा तो को तो भिलाई दुर्ग में कोई कुकुर नहीं पूछता है। तो मैं सुने तो मैं टेंशन में आ गया। मैं समझ गया ये दुनिया में इज्जत ओखरे है जेला कोई न कोई कुकुर पूछते है। जैसे ये सब मन बैठे है ए मल्ला, दुनिया भर के कुकुर मन पूछत होई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मैं बोले यार कोई भी चीज ला इसे नहीं अपन आप अपन ऊपर ले लेना चाहिए, पहली चेक करना चाहिए। तो मैं निकले हूँ शिवरी नारायण में, तो घूमे बार निकले हूँ तो एक थी मैदान में गए, देखे तो बहुत सारा कुकुर मन घूमत रही है। तो मैं
तीन जन कुकुर मन एक साथ बैठे रही ने, तो मैं उकर तीर में गयो, तीर में जा करके देखे तो दो जन कुकुर मन होती होती देखना चालू कर दियो। मैं भारी एकदम इंसल्ट फील करे मैं हाँ। लेकिन बीच वाला एक कुकुर समझदार रही से, वो हा मोर तरफ देख करके जीभ निकाल के इम्प्रेशन देना चालू कर दी। मैं समझ गया यार हमार दोनों के टावर मिल गए। मैं बोले हूँ हाउ डू यू डू, तो वो कही सेम टू यू। बहुत बढ़िया। ये हमार भाई है, नया नया घर बनाइस, घर बनाइस तो मोला बुलाइस, बुलाइस तो बोलिस कि ना। मैं बोले यार बड़ा अच्छा घर बने तो, लेकिन द्वारी में बड़े बड़े कुकुर बैठे रही से, तो मैं बोले यार अंदर कैसे आऊं करके। तो बोलते नहीं कुछ नहीं करेगा। मैं बोले कर दिया तो तू क्या करेगा। जैसे तैसे अंदर गयो। मैं बोले कुकुर तो बघुआ आसन पोस डाले हस, तो बोलते बघुआ चिड़ी से हमारे साथ रात रात कुकुर हो गए। और एकदम सच्ची घटना बता दो संतोष भैया, गौकिन सही बता दो मैं कावेश की मोर ग्रह दशा खराब चलत रही से। तो मैं हाँ गयो भाई बिचारा आए बार, तो बताइस कि भाई शनिवार के रात के जब मतलब दिन डूबे के बाद कोई कुत्ता दिखे तो उसको आप जा करके बेसन का लड्डू खिला देना, तो आपका ग्रह दशा सुधरने लग जाएगा, पहले हफ्ता में ही आपको असर नजर आ जाएगा करके। तो मैं शनिवार के दिन डूबे के बाद बेसन के लड्डू लेके निकले हूँ, तीन चार जन कुकुर मन देखिन लेकिन कोई भाव नहीं दिस मोला। मैं बोले क्या यार मेरा मार्केट वैल्यू कुछ है ही नहीं लग रहा है। ओकर बाद मैं आगे बढ़े हो तो एकदम सड़ियल दुबला पुतला मरियल टाइप के रही से, बिन खाए पिए टाइप के किंजरत रही से। मोला लगी से ये लड्डू ला खाली ही करके, तो ओकर सामने में पेश करे तो वहू नहीं खाईस। तो मैं लड्डू ला देखे, मैं बोले यार अतेक सुंदर लड्डू, और मैं आत्मनिर्भर आदमी, ग्रह दशा मोर खराब है तो लड्डू एकर पीछे काबर लगाना। अपन लड्डू खुद खा ले। हो सकता है भाई वो कुकुर ला भी कोई बताए हो कि देखो भैया कोई आदमी ऐसा टाइप का लड्डू खिलाने आए तो मत लेना, नहीं तो उसका ग्रह दशा तुम्हारे में घुस जाएगा। तो हम दोनों समझदारी से काम लेवत हैं। मैं हर शनिवार के लड्डू लेके निकलता हूँ, और ओकर कारण आप देखा था मोर साइज। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजा दो। ऐसे मैं ताली वाली वाले कवि नहीं हूँ, अपन आराम से बैठो, मैं तो सुनने सुनाए वाले कवि हूँ। कि यदि मैं किसी की नफरत से प्रतिकार करता हूँ, यदि मैं किसी की नफरत से प्रतिकार करता हूँ तो फिर यह तोहमत भी स्वीकार करता हूँ। आपके होठों पर हंसी खिलाने के लिए मैं अपने सभी दुखों का बहिष्कार करता हूँ। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। और अपने सीन में कौतूहल जगा रहे थे, अपने सीन में कौतूहल जगा रहे थे, शहर की एक सड़क पर छह कुत्ते एक साथ दौड़ लगा रहे थे। बढ़िया। किसी ने उनको दौड़ते हुए देखकर पूछा, इस तरह दौड़ते हुए आप किधर जा रहे हैं? तब एक कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया, हुजूर हम तो अपनी परंपरा निभा रहे हैं, उस छोर पर एक नया खंबा गड़ा है, अपन उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये हालत हो जाते, मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ, आजकल के दुनिया में सबसे बड़े संकट है प्यार और भरोसा के। मतलब आदमी भका भक प्यार करत है। एक झन मोर दोस्त है, वो तो बोलते मैं जिला देखता हूँ मोला प्यार हो जाते। तो मैं बोले यार क्यों ऐसा हो जाता है? मैं बोले पता नहीं, समझ में नहीं आता है, दीपिका पादुकोण को देखा उससे प्यार हो गया, प्रियंका चोपड़ा को देखा उससे प्यार हो गया। मैं बोला यार एक बार का प्यार प्यार होता है, बार बार का प्यार भ्रष्टाचार होता है। और समझ में ये आता है कि भाई एक बार का प्यार है भोलापन है, दूसरे बार का दीवानापन है, तीसरे बार का सीधापन है, लेकिन बार बार का प्यार है मतलब हदरहापन। बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ प्यार करो, अपने घर में अपने दादा दादी से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो, भाई बहन से प्यार करो, अड़ोस पड़ोस में भी प्यार करो, गलत मत समझो भाई। हाँ, संभल के करो, सेफ्टी से करो, अगल बगल में भी प्यार करो,
प्यार करो, अपने नगर से प्यार करो, अपने मोहल्ले से प्यार करो, अपने जिले से प्यार करो, और यदि बच जाए तो अपने देश से प्यार करो। बहुत बढ़िया। भीषण अकाल भी बरसता सावन हो जाएगा, भीषण अकाल भी बरसता सावन हो जाएगा, स्वर्ग से सुंदर भय मन भावन हो जाएगा, तू देश के लिए जिले मेरे दोस्त, तेरा जीवन सबसे पावन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोस्त मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में हाँ मैं नहीं बने आसन बताता हूँ मैं टोपी वाला जी बुधेश्वर हाँ ठीक है, नाम नहीं मालूम तो टोपी तो मालूम है कोई बात नहीं, आप टेंशन में मत आओ। बस वाली कोई का है कि अभी मैं अयोध्या मुला बुलायगिरी से पूरा छत्तीसगढ़ के तरफ से भगवान के सौभाग्य से रामलला जी के दर्शन हुई, रामोत्सव में राम रस आराधना कवि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के तरफ से मुला बुलायगिरी से ये भाव लेकर के मैं गे रहे हूँ कि राम हमर भांचा है, कौशल्या हमर माता है, और मैं चार पंक्ति वहाँ जो पढ़े हूँ आप सबके चरण में निवेदित करता हूँ। स्वागत, स्वागत। कि माता कौशल्या की सृष्टि जब परमार्थ करती है, पुत्र राम की दृष्टि तब पुरुषार्थ करती है, उसी सहजता सरलता का नाम है छत्तीसगढ़, जो उदार मन से सबको कृतार्थ करता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्रभु रामचंद्र जी ने जिस प्रकार की विजय पाई, वो विजय आप सबके हृदय में बसे, आप सब अपने जीवन में समृद्ध हो, सुखी हो, शांति हो, स्वस्थ रहें, मैं इस कामना के साथ अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता, पराजय को लक्ष्य से दूर रखना साथियों, क्योंकि विजय का कोई विकल्प नहीं। आलोक भाई, आलोक भाई, वो बस वाली कविता है, बस वाली कविता। हाँ पढ़ो पढ़ो है। एक बार जोरदार ताली भाई, बस वाली इनकी जोरदार व्यंग वाली कविता है। ओकर पिए के टाइम हो गए, मतलब पानी पिए के नहीं। नहीं यार, सियान मन तो ज्यादा गोठिया थे, और एक बार चालू होते तो बंद नहीं हुए, लेकिन मैं जाना था समय और आप सबके। असल में लिखना बहुत सरल काम है, लेकिन सुनना बहुत कठिन काम है। आप जो धैर्य के परिचय देवत हो, मैं आप सब एक बार अपने लिए ताली भाई। एक कविता जेकर आदेश भाई बंसीदास के तरफ से होए कि हम जीते जी मर रहे थे, हम जीते जी मर रहे थे, एक रेल यात्रा के वर्णन है। हम जीते जी मर रहे थे, एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में यात्रा कर रहे थे, लोग मन से भले ही छिटके थे, मगर यूं लग रहा था जैसे बिना फेविकॉल के एक दूसरे से चिपके थे। चढ़ती भीड़ के साथ हम भी अपने आप को जमा गए, फिर पीछे से ऐसा धक्का पड़ा कि डिब्बे में खुद बखुद समा गए। बढ़िया। अंदर पहुंचकर मन में बेहद संतोष हुआ, साथ में आज बीबी और साली नहीं है, क्योंकि भरी हुई सीटों का इतिहास बतला रहा था ये जन्म जन्मांतर से खाली नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये जन्म जन्मांतर से खाली नहीं है, क्या बताएं, हमारा दोहरा शरीर भी हम ही से अड़ता है, मगर भाई साहब जब लगती है तो सबको जाना पड़ता है। जब लगती है तो सबको जाना पड़ता है, इसलिए भगवान से प्रार्थना लगे थे, भगवान से प्रार्थना में लगे थे कि गाड़ी से उतरने तक भगवान बचाए, बीच रास्ते में किसी प्रकार की दीर्घ या लघु शंका मत सताए, बीच रास्ते में किसी प्रकार की दीर्घ या लघु शंका मत सताए। फिर दबते दबाते भीड़ में हमने अपने शरीर को संतुलित करना चाहा, तो ध्यान आया कि शरीर में होकर भी हमारे दोनों हाथ लापता हो गए हैं। हम इसी सोच में दिमाग की बत्ती जला बुझा रहे थे कि बगल वाले एक सज्जन अपना समझकर हमारा सिर खुजा रहे थे। उनकी खुजाहट से आ रहा था लुत्फ, क्योंकि ये सेवा बिल चल रही थी एकदम मुफ्त। तभी हमने नीचे पांव की एड़ी की तरफ ध्यान लगाया, और एक सुरक्षित धरातल जानकर जो ही पांव को टिकाया कि एक बगल वाला सज्जन बेदम होकर लगातार चिल्लाया, मर गया मर गया मर गया। मैं उसकी चीख से डर गया, पांव को रिवर्स लिया और डेढ़ टांग पर पूरी यात्रा भर के लिए स्थिर हो गया। अब तो बाबा रामदेव की बताई योग साधना पिघल रही थी, मेरी ऊपर की हवा ऊपर और नीचे की नीचे निकल रही थी।
मेरी ऊपर की हवा ऊपर और नीचे की नीचे निकल रही थी, मन बैरागी हो गया था, आत्मा से परमात्मा का संबंध जोड़ चुका था, दुख के सारे भाव बंधन तोड़ चुका था। तभी कोई अनजाना हाथ मेरी जेब में यूं प्रवेश किया जैसे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारतीय बाजार में निवेश किया। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। उसने तुरंत ही मेरा जेब साफ कर दिया, मुझे फूल से हाफ कर दिया। क्या बताऊं, वो यात्रा तो जैसे तैसे कट गई, मगर दिमाग में एक बात डट गई कि अंत में बहुत पछताया होगा, अंत में वो जेब कतरा बहुत पछताया होगा जब नोटों की जगह हमारी कुछ कविताओं को पाया होगा। बहुत जब नोटों की जगह हमारी कुछ कविताओं को पाया होगा, फिर तो बहुत कोसा होगा हमें उस भाई ने, जब पढ़ी होगी शुरुआती लाइनें, जब पढ़ी होगी शुरुआती लाइनें कि एक सीधे साधे आदमी ने, एक सीधे साधे आदमी ने धोखा खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के साथ केवल विश्वास का धर्म निभाया है। बहुत केवल विश्वास का धर्म निभाया है। बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां आप सबके स्वाभिमान को समर्पित करते हुए मैं समर्पित करता हूं कि हारे हुए मन से भी उत्साही होता हूं, हारे हुए मन से भी उत्साही होता हूं, फकीराने अंदाज में भी शाही होता हूं, झांक लेता हूं एक बार मैं जब अपने अंदर, यारों फिर तो मैं भी जिल्ले इलाही होता हूं। बहुत बढ़िया।